कोलारस नगर कस्बे में जल्द ही बस स्टैंड बनने वाला है। शुक्रवार को कोलारस के वार्ड क्रमांक 10 की पुरानी अनाज मंडी मेला ग्राउंड पर 3.5 बीघा जमीन में 388 लाख रुपए की लागत से बनने वाले बस स्टैंड का भूमि पूजन किया गया। बता दें कि करीब 20 वर्षों से कोलारस कस्बे में बस स्टैंड की मांग उठ रही थी। शुक्रवार को कोलारस बस स्टैंड के भूमि पूजन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गुना शिवपुरी सांसद डॉक्टर के पी यादव सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने की। इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष प्रियंका सुरेंद्र शिवहरे, नपा उपाध्यक्ष रोहित बंसल, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष रविंद्र शिवहरे, वार्ड क्रमांक 10 की पार्षद सियाबाई होतम चाटप सहित अनेक गणमान्य नागरिक के मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक ने बताया कि बस स्टैंड के निर्माण के दौरान बस स्टैंड के बाहर दुकानों का निर्माण कराया जाएगा। दुकानों से होने वाली आय का उपयोग बस स्टैंड के सौंदर्यकरण के लिए किया जाएगा। विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने बताया कि पुरानी अनाज मंडी मेला ग्राउंड पर कुछ देव स्थान भी बने हुए हैं, जिन्हें बस स्टैंड के भीतर एक पार्क बनाकर उसमें स्थान दिया जाएगा। कोलारस से शाकिर खान की रिपोर्ट। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और मध्य प्रदेश में भी जो हमने कार्य किए हैं, जो विकास किया है, उसी के आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं और निश्चित ही जनता निश्चित ही यही चाहेगी कि जिस रफ्तार से प्रदेश का विकास हो रहा है या देश का विकास हो रहा है उसमें कोई अवरोध ना आए, क्योंकि 18 में जो अवरोध आया था वो किसी से छुपा नहीं है। अनेकों अनेक जनहितकारी जनकल्याणकारी योजनाओं को रोक दिया गया था, ब्रेक लगा दिया था, कई लोग कई योजनाओं से वंचित रह गए थे। कन्यादान जैसी योजना, संबल योजना, तीर्थ दर्शन योजना, जो हमारी गरीब आदिवासी बहनों को 1,000 रुपये देते थे वो रोक दिए थे।